झारखंड में आ रही है, जिसको रिलीज कर रहे हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर सुनील, एंड 28 अप्रैल को मुंबई और सौराष्ट्र में। अर्चना जी, बेटवा बाहुबली 2 क्यों खास है ये फिल्म आपके लिए? जी, मेरे लिए ये बहुत ही खास फिल्म है क्योंकि मैं अजय जी के साथ लॉन्च हुई थी और वो फिल्म बहुत ही हिट रही थी ओवर सिनेमा, जिसकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में जानी जाती हूँ। तो मेरे लिए अजय जी खास है, इनकी फिल्म तो बहुत ही खास है। मैं चाहती थी कि बेटवा बाहुबली पार्ट 2 की हिस्सा बनूं और मैं बनी भी हूं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अजय जी, ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और है कि एक तरफ प्रभास साहब की मोस्ट अवेटेड फिल्म बाहुबली 2 कंक्लूजन आ रही है, दूसरी तरफ बेटवा बाहुबली 2 एक ही रिलीज डेट है मुंबई में? ये पूरा संयोग है और कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज कि वो एक अलग फिल्म है, हमारी फिल्म अलग है, उनसे हमारा कोई कंपेयर नहीं। वो बड़े लोग हैं, हम तो बहुत अदने से आर्टिस्ट हैं और अदने से छोटी से इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, तो उनसे कोई कंपेयर नहीं हमारा। लेकिन खबरें तो प्रमोशन काफ़ी किया जा रहा है कि बेटवा बाहुबली 2 बाहुबली 2 को टक्कर देगी, बॉक्स ऑफिस पर दोनों की भिड़ंत होगी, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हो आप? नहीं सर, ये सब आप लोग का कमाल है, आप लोग जो मीडिया में लेके आते हैं, आप ही हम सवाल करते हैं, इसमें हम नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हम तो जस्ट प्रे टू गॉड कि दोनों फिल्म अच्छी चले, वो तो अच्छी चलेगी, साथ में हमारी मूवी अच्छी चले, और बाकी उनसे हमारा कोई कंपेयर नहीं। आपको लगता है इस कॉन्ट्रोवर्सी का फायदा हो जाएगा आपको कुछ? आई थिंक सो, यू आर फ्रॉम मीडिया तो यू नो बेटर, आप मुझसे अधिक समझते हो, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बेटवा बाहुबली 2 जो फिल्म है, इसका फर्स्ट पार्ट जो था, जो बेटवा बाहुबली, वो 8 साल पहले आई थी। 8 साल बाद आपको क्यों लगता है कि फिल्म का पार्ट 2 या फिर उसका जो सीक्वल है वो लोग देखना चाहेंगे? देखिए, जब ये बाहुबली जो शब्द की बात हो रही है बार बार, सबसे पहले इंडस्ट्री में ये हमारे लिए सम्मान की बात है और सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले इंडस्ट्री में बाहुबली शब्द जो हम लोग लेके आए जो है, और हमारी पहली फिल्म, हमारे कैरियर की पहली फिल्म बेटवा बाहुबली जो है पहली थी, जो 2008 में आई थी, जो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, और उस फिल्म से मुझे काफ़ी सम्मान मिला, नाम मिला। उसके बाद बहुत सारे बाहुबली शब्द यूज़ किया गया, चाहे सीरियल हो या भोजपुरी मूवी या हिंदी फिल्म। जहाँ तक जो पार्ट 2 की बात है, जब हम फिल्म बना रहे थे, मैं पता भी नहीं था कि ये फिल्म अभी आने वाली है, बिकॉज कि ये 16 में इसका रिलीजिंग डेट था और कुछ उनका अपना पर्सनल था जो वो आगे पोस्टपोन हुआ है। तो हमारा उस कंट्रोवर्सी से या उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सहयोग है। अर्चना जी, आपका एक बड़ा हॉट सा गाना है इस फिल्म में, कुछ बताना चाहेंगे उस गाने के बारे में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा जो सॉन्ग है अजय जी के साथ है और नवरत्न तेल के लिए किया गया है, और मैं दिल से बोल रही हूँ कि बहुत ही हॉट गाना है और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मैं बताता हूँ इसके बारे में, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इमामी कंपनी नवरत्न तेल जी हमारी फिल्म का इनफिल्म ब्रांड पार्टनर है और इस फिल्म को बहुत प्रमोट कर रही है। उन्होंने इस फिल्म के लिए जो है टी शर्ट, कैप, जो भी प्रमोशनल चीज़ें हैं वो कर रही हैं, तो उनके लिए गाना है और जिसमें अर्चना जी जो है उस फिल्म का हिस्सा है और हम दोनों के ऊपर गाना फिल्माया गया। अर्चना जी, इससे पहले ब्रांड को लेकर बहुत सारे गाने आ चुके हैं, चाहे फेविकोल हो या फिर कोई और गाना हो, ब्रांड को लेकर एक बड़ा जिम्मेदारी, एक ब्रांड आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, एक ब्रांड का नाम आपके साथ जुड़ जाता है, उसी तरह से आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप उसके साथ जस्टिस कर सकें, बड़ी जिम्मेदारी थी, कैसे निभाया अर्चना सिंह ने? जी, मैंने कोशिश किया है और मैं बहुत, मेरा शौक था कि मैं किसी भी जैसे ब्रांड के ऊपर कोई कुछ हो रहा है, फेविक जैसे आपने बोला, नवरत्न, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं चाहती थी कि कुछ करूं और मुझे अजय जी के वजह से ये नसीब मिला है, तो मैंने दिल से किया है, अपना अच्छा करने की कोशिश किया है। मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक नसीब की बात है तो ये इनका नसीब है और मेरा नसीब है कि इनका नसीब मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो है, और ये मेरी उम्मीद से हमारी फिल्म से लॉन्च हुई थी जो है और आज अच्छा काम कर रही है, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। जहाँ तक ब्रांड की बात है, तो मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा गाना बन जाएगा, इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी जो है, बिकॉज कि इतना क्लास डांस किए इन्होंने जो इसमें, और क्या दिख रही फिल्म में जो है, और हमारे 10 गाने सब एक से एक बेहतरीन गाने हैं, उसमें से एक ही गाना भी उस गाने का हिस्सा बन गया है। अजय जी, फिल्म में गानों को लेकर 10 गाने आपने बताया कि 10 गाने हैं, क्या इससे फिल्म बहुत लेंदी नहीं हो जाएगी, बड़ी नहीं हो जाएगी? ना, ये फिल्म जो है 2.5 घंटे की फिल्म है और 10 गाने हैं। मैं आपको बता दूं, इसका संगीत जो है और एक्शन इस फिल्म का मेजर पार्ट है, मतलब कमाल का एक्शन हुआ इस फिल्म में जो है, और संगीत तो बोलिए मत आप जो है। हर फिल्म में 1-2-3 गाने अच्छे होते हैं, 4 गाने अच्छे होते हैं, लेकिन किसी फिल्म में 10 का 10 गाने अच्छा हो, ये अपने आप में ही से एक नसीब की बात है। इसमें 2 गाना कल्चरल है, जो कि शादी के ऊपर है, वहाँ का जो कल्चर, शादी है, अंगाली, वो शादी की हल्दी सब होता है, और एक गाना होली का, बाकी 8 गाने सारे के सारे कैची और टीजिंग सॉन्ग है। अर्चना जी, बाहुबली 2 की जब बात हो रही है, बड़ी एक्सपेक्टेड फिल्म है, बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर पहले भी मीडिया में आ रही थी,
ये गाना पर्टिकुलरली आपको ये गाना ऑफर कैसे हुआ, कैसे आप तक पहुंचा? एक्चुअली मैं पहले ही अजय जी से मैंने बोला था कि बिटुआ बाहुबली जो पहली पार्ट था वो बहुत ही सुपर डुपर हिट था और बहुत ही नाम था उस फिल्म का, तो जब उसका सीक्वल बनने लगा तो मैं चाहती थी कि मैं उस फिल्म का हिस्सा बनूं, मतलब मैं उसकी हीरोइन रहूं। तो आई थिंक सो मेरी बात भी हो गई थी, बट मैं उस समय कोई और फिल्म शूट कर रही थी, इत्तेफाक से नहीं हो पाई। तो अचानक से ये नवरत्न का गाना पूरी कंप्लीट फिल्म एडिट होने के बाद इनको ऑफर हुआ, फिर इन्होंने मुझे बोला, तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे मैं तो हिस्सा बनना ही चाहती थी और भगवान ने ये कर दिखाया चमत्कार, तो ऐसे मुझे मिली थी ये गाना। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ दो लाइन ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला बाहुबली 2 बहुत बड़ा मींस अवेटेड फिल्म है साउथ की जो है और ऑडियंस के लिए, उसी तरह मैं एक चीज़ ऐड करूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और भोजपुरी समाज के लिए और भोजपुरी ऑडियंस के लिए बेटवा बाहुबली 2 भी बहुत ही मोस्ट अवेटेड एंड मीन्स बहुत ही लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जनता जो हमारे ग्रुप सर्कल के लोग हैं उनके डिमांड पे ही मैंने फर्स्ट टाइम पार्ट 2 में काम करने की कोशिश की और काम को कंप्लीट किया। साहब तेल का तो मैडम ने प्रचार कर दिया, झंडू बाम का क्या होगा? नेक्स्ट में कर लेंगे, आप ऑफर लेकर बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे करना भोजपुरी में झंडू बाम, बिल्कुल झंडू बाम करना चाहेंगे क्योंकि भोजपुरी में घरों में सबसे ज्यादा झंडू बाम दिखता है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को जो है वीनस, जो कि बहुत कम फिल्में ले रही है भोजपुरी या कम फिल्मों से जुड़ रही है, वीनस ने बहुत इस फिल्म को सामने से ऑफर किया और फिल्म को लिया, बिकॉज पार्ट 1 उन्होंने लिया था। डॉक्टर साहब जो बड़े लार्ज स्केल से इस फिल्म को बिहार झारखंड में रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ गोला साहब हैं वो बड़े मीन बेहतरीन ढंग से बहुत ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को जो है। इसके अलावा बंगाल, दिल्ली, यूपी हर जगह फिल्म लॉक हो चुकी है जो कि अगले महीने आएगी जो है, और बाकी कई टेरेटरी में हमारी फिल्म 28 तारीख को आ रही है, सिर्फ बिहार झारखंड में एक हफ्ते पहले 21 तारीख को आ रही है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो धीरे ठाकुर जी हैं जो कि रमाकांत जी के ग्रुप के हैं, उस ग्रुप से आए हैं, उनकी फर्स्ट डेब्यू मूवी है। उन्होंने मीन से जब मैं उनको लिया था या आप साथ में काम कर रहे थे तो लोग बोले थे कि भाई आप बेटवा बाहुबली 2 इतनी बड़ी ब्रांड, इतना बड़ा मूवी करने जा रहे हो, एक नया निर्देशक कैसे करेगा? तो मेरा जवाब था जब बेटवा बाहुबली 1 था तो उस फिल्म में भी जो हमारा डायरेक्टर नया था हमने उसको ब्रेक दिया था, तो हमारी टीम ने ब्रेक दिया था, हमारी कंपनी ने ब्रेक दिया था, तो कैसे दिया? और आज उस बात को वो आदमी जो प्रूफ किया है, कमाल का काम किया सर जी, आप देखोगे तो आपको खुद उसका जवाब मिलेगा। एक सवाल अर्चना के लिए है, अर्चना हो सकता है अजय दीक्षित की लड़ाई किसी और एक्टर से हो बॉक्स ऑफिस पर, हो सकता है प्रभास के साथ या किसी और पे हो, लेकिन आपकी लड़ाई तो खुद से है क्योंकि आपकी दूसरी फिल्म भी उसी दिन रिलीज हो रही है, एक्शन राजा। बिल्कुल तो मैं चाहूंगी कि मेरी दोनों ही फिल्म सफल हो, हिट हो, और सबसे पहले बेटवा बाहुबली 2 स्पेशली बेटवा बाहुबली 2 मैंने बहुत मेहनत किया है क्योंकि बहुत मेहनत किया, और सबसे खास बात की अजय जी सारे नए लोगों को चांस देते हैं, मैं भी नई थी जब इन्होंने चांस दिया था, एंड डायरेक्टरों को भी नए डायरेक्टर को चांस देते हैं, तो मैं दिल से चाहूंगी कि इनकी फिल्म, हमारी फिल्म, दोनों हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। अजय भाई क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, कोई बड़ा मजा हुआ कलाकार या बड़ी हीरोइन इंडस्ट्री से, आप किसी को भी साइन कर सकते थे, नए लोगों को इतना ज्यादा मौका क्यों देते हैं? क्योंकि बड़े लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते नहीं, ये सच नहीं है। अजय जी एक्चुअली दिल के बहुत ही अच्छे हैं, तो नए जो बने लोग हैं वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो हमारे जैसे नए लोग हैं उनको ये मौका देते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई मौका देने वाला नहीं, मैंने तो अभी तक यही देखा मिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बात सच है कि ये हमारी कंपनी की 5वीं फिल्म है और सारे फिल्म में जो है हमने एक हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया है, एक डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कैमरामैन एंड डांस मास्टर की पहली मूवी जो है सोलो कर रहे हैं, कैमरामैन की पहली फिल्म है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो पहली फिल्म, बट मैं हमेशा काबिलियत जाता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पुराने लोग के पास नहीं है, बट नए लोग को भी जब मौका नहीं मिलेगा तो कैसे पुराने, और थोड़ा एक जो है ये भी होता है कि कौन आदमी कहाँ सूट होता है, जिस दिन ऐसी कोई कहानी होगी जहाँ पे बड़ा ही सूट होगा तो हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ काम करना चाहेंगे। एक सवाल ऐसा है कि पुराने कलाकारों के साथ काम करने पर बॉक्स ऑफिस का रिस्क थोड़ा कम होता है, मजा हुआ तरीका है ये, नए कलाकारों के साथ माना जाता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है नए चेहरों के लिए? सर जी मैं इस बात में जरा भी बिलीव नहीं करता, D1 से बोलता हूँ, मैं बहुत ही चूजी, बहुत ही क्वालिटी वर्क करता हूँ, बहुत कम फिल्में करता हूँ। जब मैं कोई फिल्म हाथ में लेता हूँ तो वो मेरे लिए आत्मा होता है, मेरा शरीर होता है, मेरी वाइफ होती है, सब कुछ वही होता है। आज मैं 9 महीने से जुलाई से लेकर आज तक उस फिल्म में डूबा हुआ हूँ, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इस फिल्म के बाद सेकेंड मूवी मेरी शंकर सुल्तान है जो कि ईद पे आ रही है, वहाँ मैं एंटर करूँगा जो है। जहाँ तक सवाल नए लोगों के साथ रिस्क की बात होती है, मैं हमेशा मानता हूँ कंटेंट
अच्छा प्रोजेक्ट, अगर नए लोग की बात होगी या पुराने की बात, तो पुराने लोग की बात जो है, पुराने लोग जो है सारी फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, जो कि आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और वो प्रत्यक्ष है कि जो फिल्में आ रही है उसका क्या हश्र हो रहा है। जो हमारी फिल्म, हम नए लोग हैं, ठीक है, मैंने कुछ 12-15 फिल्में किया है लेकिन मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद आज हमारी फिल्म जो है बड़े बड़े लोग, इमामी, वीनस, डॉक्टर सुनील साहब जी, गोला जी, सब लोग हमारे ऑल टेरिटरी ग्रो हो चुकी है जो है, और बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ कंटेंट। अगर चीज़ अच्छी है तो हर आदमी आपको पूछेगा। इसके अलावा जहाँ बड़े आर्टिस्ट की बात है, टीनू वर्मा जी हमारी पहली फिल्म में थे, इस फिल्म में गोपाल राय जी हैं, उमेश जी हैं, जो जितने मोस्ट ऑफ करेक्टर हैं, तो जहाँ जो शूट होता है काम होता है। अजय जी, हो सकता है हर एक्टर की हर फिल्म बहुत हिट ना रही हो, लेकिन कई फिल्में अच्छा बिजनेस करती हैं, ये भी बड़ा सच है। कई लोगों के नाम के आगे सुपरस्टार भी लगता है, कई लोगों के नाम के आगे नहीं लगता है, ये एक बड़ा फर्क नजर आता है। कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछना क्या चाहते हैं सर? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे ये जरूरी नहीं कि हर स्टार की हर फिल्म हिट हो, राइट, हिट होती है, चलती है फिल्में, एक बॉक्स ऑफिस पर हर फ्राइडे को एक सुपरस्टार डिसाइड हो जाता है, आज के हफ्ते का सुपरस्टार ये है, आज के हफ्ते का सुपरस्टार ये है, तो क्या इस हिसाब से आपको लगता नहीं है? मैं बोलना चाहूंगा, मैं समझ गया आपकी बात, मैं बोलना, अगर किसी की बात होती है और कोई बोलता है कि बड़ा सुपरस्टार, बड़ा स्टार जो है, तो मैं बोलता हूँ अगर बड़ा स्टार है तो उसके नाम पे ओपनिंग तो होनी चाहिए बड़ा, इसके बाद फिल्म अच्छी है नहीं है वो बात की बात है, बट अगर किसी फिल्म की ओपनिंग भी नहीं होती अच्छी जो है तो कैसे बड़ा स्टार होता है? तो अच्छा कंटेंट होता है, अच्छा फिल्म होता है, कोई बड़ा स्टार या नहीं होता, ये एक जो है, ठीक है, एक भाग दौड़ है, लोग भागते हैं, बना देते हैं, लेकिन उसमें भी मैं नहीं करता। एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, अच्छी फिल्म होनी चाहिए। अच्छा जी, अजय साहब कैसे कलाकार और कैसे इंसान है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल के तो बहुत ही अच्छे, अभी तक मैंने बहुत सारे एक्टर से मिली बट मेरे फेवरेट रहे हैं ये अभी तक। थैंक यू सो मच। क्योंकि दिल के बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे हैं हर चीज़ में।